कोझिकोड में निपा वायरस से 4 लोग संक्रमित हुए हैं। 4 पॉजिटिव मामलों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बचे हुए लोगों पर जिले में कड़ी चिकित्सा निगरानी चल रही है। चेन्नई से महामारी विज्ञान विशेषज्ञों के अलावा NIV पुणे के अधिकारियों की टीम कोझिकोड पहुंच रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को निपा मरीजों की दी जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिले के 7 ग्राम सभाओं के 43 वार्डों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इन स्थानों पर चिकित्सा दुकानों और राज्य सरकार के राजस्व कार्यालयों को छोड़कर अन्य दुकानों के खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन क्षेत्रों में स्कूल बंद रहेंगे और उन्हें शिक्षा का ऑनलाइन तरीका अपनाने के लिए कहा गया है। वहीं मंत्री जॉर्ज ने कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने अब तक 127 हेल्थ प्रोफेशनल सहित 168 लोगों की पहचान की है जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए थे और जिले में सभी को मास्क पहनने के लिए कहा गया है। निपाह वायरस संक्रमण मूल रूप से एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। इसके अलावा यह दूषित भोजन या संपर्क से भी फैल सकती है। WHO के अनुसार निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, मतलब निपाह वायरस जानवरों के जरिए इंसानों से फैलता है। कई बार ये वायरस खाने पीने के जरिए भी इंसान में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर निपाह वायरस से संक्रमित है तो उससे ये वायरस दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। निपाह वायरस का सबसे पहला मामला 1999 में मलेशिया के एक गांव सुनगई निपाह में आया था। इस गांव के नाम पर ही इस वायरस का नाम पड़ा है। निपाह वायरस कम संक्रमण वाला वायरस होता है, लेकिन ये बेहद जानलेवा है। WHO की माने तो निपाह वायरस की मृत्यु दर 45-70% तक है। पिछले साल केरल में फैले निपाह वायरस की मृत्यु दर 90% थी। बता दें कि निपाह वायरस जल्द नहीं फैलता है, मतलब इससे कम लोग संक्रमित होते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इतना ही नहीं, अगर किसी के परिवार में निपाह वायरस से मौत हुई है तो उसके परिवार में दूसरा भी इससे संक्रमित हो सकता है। कोरोना वायरस की तरह ही इस वायरस से भी बचना चाहिए। इंसानों से निपाह वायरस संक्रमण लक्षणहीन संक्रमण से लेकर तीव्र श्वसन संक्रमण तक होता है। ये घातक एन्सेफेलाइटिस तक हो सकता है। निपा वायरस का मृत्यु दर 75% तक होता है। हालांकि ये दर महामारी विज्ञान निगरानी और नैदानिक प्रबंधन के लिए स्थानीय क्षमताओं के आधार पर प्रकोप के अनुसार अलग अलग हो सकता है। निपा वायरस जानवरों या फिर दूषित खाद्य पदार्थों से मनुष्य में फैल सकता है और सीधे मानव से मानव में भी फैल सकता है। लोगों या फिर जानवरों के लिए कोई निपाहल वायरस का कोई उपचार या वैक्सीन नहीं बनी है। अगर कोई भी शख्स निपाह वायरस से संक्रमित होता है तो उसमें तेज बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, एंटीपिकल निमोनिया जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं अगर स्थिति ज्यादा गंभीर रही तो इंसान इंसेफेलाइटिस का भी शिकार हो सकता है और 24 से 48 घंटे में वह कोमा में भी जा सकता है। निपाह वायरस कितना खतरनाक है, इसका उदाहरण यही है कि इसकी ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही इसका कोई इलाज है, तभी विशेषज्ञ इसे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक और दहशतगर्द मान रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।